हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मालपेज जोशी का फिर आपके बीच में। तो सबसे पहले तो जय श्री बालाजी मैं आपको कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। और आज इस वीडियो को हम चालू करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो हम बात करेंगे इस मेल हैंड है, सबसे पहले बता दूँ कुछ क्वेश्चंस हैं इनके, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ग्रेजुएट कर चुके हैं, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं उसके साथ साथ, तो ऑनलाइन एनालिसिस की मैं प्रक्रिया चालू करने वाला हूँ। चौड़ा हाथ है उसके साथ साथ थोड़ा लंबा भी है, तो बोल कर कार्य करने वाले होंगे, उसके साथ साथ बैठे बैठे कार्य भी करेंगे, उसके साथ साथ हार्ड वर्क नेचर भी इनका रहेगा, मतलब दोनों पर्सनैलिटी इनके अंदर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इनकी फिंगर्स पे आऊँ तो दोस्तों सन, और यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर की लेंथ देखी जाए तो सन की फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के साथ साथ नेम फेम इनको समाज में मिलने के ज़्यादा योग रहेंगे। तो नेम फेम प्लस गवर्नमेंट जॉब भी सन दिलवाता है, और सन की फिंगर तो लॉन्ग है, यहाँ पर मेरे को कंडीशन अच्छी रहेगी। गुरु की फिंगर थोड़ी लेंथ नीचे रह गई तब भी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, बट सन की क्वालिटी ज़्यादा इनके अंदर रहेगी। थोड़े सूर्य के भी उपाय आप कर लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बारीक बारीक से क्रॉस बनने ये अच्छे नहीं माने जाते। भले गवर्नमेंट जॉब के लिए क्रॉस आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, उसके साथ साथ मैं अभी पूरे हाथ का विश्लेषण करूँगा, आपको समझ में आता जाएगा। फिंगर पे जो सीधी खड़ी रेखाएं आपके लिए बहुत शुभ हैं, आपका फ्रेंडली नेचर शो करती हैं, लोगों के साथ हाल घुल मिल जाना प्लस ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। फ्रेंडली नेचर और फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा और अच्छा बढ़िया कि उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी आली रेखाएं भी, शत्रु रेखा भी कहलाती हैं, तो ये आपको थोड़े स्ट्रेस या तनाव वगैरह महसूस कराएंगे, उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं लाइफ में। शत्रुओं को ना बनने दें, मित्र ही आप अपने बना के रखें सबको। जीवन में जॉब, फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स के बारे में मैं आपके सबको बताऊंगा। तो मनी के बारे में हम पहले बात करें तो मनी तो मेरे को यहाँ पर ठीक ठाक आपके हाथ में दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मनी की भी प्रॉब्लम्स आपको बहुत रहेगी। क्यों रहेगी, मतलब थोड़ी लाइफ में रहेगी, आगे जाके इतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु रेखाएं हैं। और रिलेशनशिप में भी यही आपको प्रॉब्लम्स देंगी, बहुत प्रॉब्लम देंगी पक्का, क्योंकि राहु रेखाएं रिलेशनशिप्स को भी परेशान करती हैं व्यक्ति के, मतलब रिलेशनशिप में झगड़ा लड़ाई प्लस रिलेशनशिप टूट जाना वहाँ तक तोड़वा भी देती हैं राहु रेखा। दोस्तों भगवान करे किसी के हाथ में नहीं हो, और इसके उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। आप राहु देव की जगह हनुमान जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, और राहु देव का बीज मंत्र का जाप करें। आप गूगल से निकाल सकते हैं कि राहु बीज मंत्र लिख के, ठीक है। तो ये राहु रेखा आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम देगी, स्ट्रेस तनाव महसूस भी आपको होगा, उसके साथ साथ जैसा आपने मैंने आपको बताया था उस समय कुंडली देख के, अभी तो मैं आपके हाथ पे बात कर रहा हूँ, पर मनी देखा जाए तो मनी ठीक ठाक रहेगा, पर तब भी आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रह सकती हैं, ठीक है। और जॉब की बात करूँ तो जॉब में भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सीधी बात यह है कि आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल यानी बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। संघर्ष छोटा मोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, क्योंकि राहु रेखा कटी है। कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि रिलेशनशिप्स हो जाए, फाइनेंशियल पोजीशन हो जाए, फाइनेंशियल कंडीशंस भी देखी जाए या जॉब भी देखी जाए, तो ये तीनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। राहु रेखा तीनों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने आपको हनुमान जी की भी पूजा बोली थी। तब शनि देखा जाए तो शनि थोड़ा दबा हुआ है, तब भी प्रॉब्लम्स आएगी, परेशानियाँ, काम नहीं बन पाना, ठीक है। पर ये जो सीधी खड़ी रेखाएँ मरकरी पे हैं, ये बहुत आपके लिए शुभ हैं। एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के साथ साथ सुंदरता को भी व्यतीत करती है व्यक्ति के, ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत शुभ है। धन से रिलेटेड भी आप अच्छी तरीके जा सकते हैं, प्लस आप बिजनेस भी कर सकते हैं आगे जाके। बस अपने थोड़े माइंड को फ्रेश रखें, ज़्यादा तनाव में नहीं रहो। विदेश, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके हाथ में विदेश के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। हीराइन बिल्कुल सीधी गई है, भाग्य का सपोर्ट भी आपका पूरा है, भाग्य रेखा भी अच्छी है, तब भी पर भाग्य में भी प्रॉब्लम देंगी ये राहु रेखा। बट ये जो आपकी लाइफ लाइन है बिल्कुल सीधी गई है, बट उसमें से ये भाग्य रेखा से जुड़ के अंदर की तरफ आ गई है, और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि कुछ ये है, थोड़ा पानी से भी आप सावधान नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये यहाँ पर रेखाएं विदेश यात्रा को शो कर रही हैं, यात्रा आपकी लाइफ में बहुत होंगी, विदेश भी जा सकते हैं, जाएंगे विदेश भी, बट ये कि वहाँ पर परमानेंट सेटल नहीं हो सकता, बड़े लॉन्ग स्टे हो सकता है। लग्जरियस की भी आप पे कोई कमी नहीं रहेगी, बट ये राहु रेखा अगर ना हो तो ज़्यादा कमी किसी चीज़ की आप पे नहीं रहेगी, बट ये राहु रेखा आपको बहुत तंग करेंगी, ठीक है। लाइफ में एक्सीडेंट्स, ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं अलग अलग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इनको बुरा बताऊं, बट हाँ इधर यहाँ पर एक ये भी देख पाऊँगा कि ये रिंग से आकृति बहुत शुभ है, धार्मिकता को, धार्मिकता नेचर को भी रिप्रेजेंट करती है, प्लस ये धन के हिसाब से भी अच्छा चिन्ह होता है।
तो जितना मेरे से हुआ मैंने अपनी तरफ से किया कोशिश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए भी रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राहु के उपाय आपको करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, लव यू ऑल। इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें और लाइक ज़रूर करके जाना।